सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Realme X2 और Poco X2 के बीच। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही फोन्स Realme X2 और Poco X2 में हमें मिलता है सेम Snapdragon 730G CPU, पर यहाँ पे Realme X2 में है 4GB RAM, जहाँ पर Poco X2 में हमें मिलता है 6GB का RAM। तो स्पीड टेस्ट को हम स्टार्ट करेंगे दोनों फोन्स की बूटिंग टेस्ट से। तो चले जाते हैं दोनों ही फोन्स में रिस्टार्ट स्क्रीन पे और हम दोनों फोन को एकदम सेम टाइम पे रिस्टार्ट करेंगे इन 3, 2, 1 गो। ऑलराइट, तो जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन रिस्टार्ट हो रहा है, तो अभी देख लेते हैं कि कौन सा फोन पहले बूट होता है। दोस्तों Realme X2 पहले बूट हो गया, जिसके बस 1-2 सेकंड के अंदर Poco X2 भी बूट होके आ गया। ऑलराइट, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के स्पीड टेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे फ़ोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, Adobe Premiere Clip, जिसमें हम दोनों फ़ोन में GPU रेंडरिंग चेक कर लेंगे। उसके साथ हमारे पास 3 हेवी गेम्स है, कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी, और दोस्तों हमारे पास है शॉपिंग ऐप्स जैसे Amazon और Flipkart। तो टेस्ट को शुरू करने से पहले यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में ही लोकेशन या फिर GPS ऑन है और दोनों फ़ोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो नाउ हम हमारा स्पीड टेस्ट स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके और दोनों ही फोन्स में स्टॉपवॉच को चला लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है फोन ऐप। दोस्तों फोन ऐप एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फोन में। नेक्स्ट है कैमरा। तो कैमरा ऐप भी जैसे आपने देखा एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों ही फोन में। नेक्स्ट ट्विटर। दोस्तों ट्विटर पहले लोड हुआ पोको में, पर बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है दोनों फोन की ट्विटर लोडिंग टाइम में। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम अगेन दोनों ही फोन में एकदम सेम टाइम पे लोड हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट है फेसबुक। दोस्तों फेसबुक जैसे आपने देखा अगेन दोनों ही फोन में एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ, दोनों में सेम CPU होने की वजह से काफ़ी सारे एप्लीकेशंस एकदम सेम टाइम पे लोड हो रहा है दोनों ही फोन में। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं गूगल मैप्स पे। दोस्तों मैप्स भी अगेन सेम टाइम पे लोड हुआ और दोनों ही फोन में मैप्स लोड होने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। ऑलराइट, वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं Adobe Premiere Clip और प्रीमियर क्लिप में हम सेम 1 मिनट के क्लिप को दोनों ही फोन में इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो क्लिप इंपोर्ट हो जाने के बाद हम चले जाएंगे क्लिप सेटिंग्स में और यहाँ से दोनों ही फोन में क्लिप्स को हम 50% स्लोअर कर लेंगे। ओके, तो नाउ यहाँ से बैक करके शेयर पे टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं सेव टू गैलरी और 1080p सिलेक्टेड है। तो नाउ हम दोनों फोन में रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे इन 3, 2, 1 गो। ऑलराइट, तो जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन में रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है, तो ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे पर आप ऊपर स्टॉपवॉच में देख पाएंगे दोनों फोन की एग्जैक्ट रेंडरिंग टाइम। ऑलराइट, दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Poco X2 में सेम Snapdragon 730G CPU होने के बाद भी इसमें एक्स्ट्रा 2GB RAM और उसके साथ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होने की वजह से Poco X2 में रेंडरिंग पहले ख़त्म हो गया, जहाँ पर अभी रेंडरिंग Realme X2 में चल रहा है नियर 290 या फिर 95% में। ऑलराइट, तो फाइनली Realme X2 में भी रेंडरिंग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चले जाएंगे कॉल ऑफ ड्यूटी में। तो यहाँ से चला लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। ओके, तो जैसे आपने देखा कि कॉल ऑफ ड्यूटी पहले लोड हुआ Poco X2 में, पर बस 1-2 सेकंड के अंदर Realme X2 ने भी लोड कर लिया कॉल ऑफ ड्यूटी का मेन मेन्यू। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन में और हम अभी चले जाएंगे पबजी में। तो पबजी को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। ऑलराइट,
तो पबजी को हमने चला लिया है, तो अभी देख लेते हैं कि कौन से फोन में पहले लोड होता है पबजी का मेन मेन्यू। दोस्तों जैसे आपने देखा कि PUBG पहले लोड हुआ पोको X2 में, पर अगेन 3-4 सेकंड के बाद Realme X2 ने भी लोड कर लिया PUBG का मेन मेन्यू। तो यहाँ से हम डायरेक्टली वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट शॉपिंग ऐप्स में जाके और Amazon को दोनों ही फ़ोन में चला लेते हैं। ऑलराइट, तो Amazon पहले लोड हुआ पोको X2 में। ओके, नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, और दोस्तों फ्लिपकार्ट भी पहले लोड हुआ पोको X2 में। वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं एसफॉल्ट 9 और इसे चला के देखते हैं कि किसने पहले लोड होता है एसफॉल्ट की मेन मेन्यू। दोस्तों जैसे आपने देखा कि एसफॉल्ट 9 पहले लोड हुआ रियलमी X2 में, पर बस एक सेकेंड के अंदर ही पोको X2 ने भी लोड कर लिया एसफॉल्ट की मेन मेन्यू। ऑल राइट, तो यहाँ से हम डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन में और यहाँ पर मल्टीटास्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे स्पीड टेस्ट के टाइम हमने सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी हम देख पाए दोनों फ़ोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट को हम स्टार्ट करेंगे एसफॉल्ट 9 से, और एसफॉल्ट दोनों ही फ़ोन में रनिंग है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, दोस्तों फ्लिपकार्ट भी रनिंग है दोनों फ़ोन में। नेक्स्ट है अमेज़न, अमेज़न भी जैसे आप देख सकते हैं कि रनिंग है दोनों ही फ़ोन में। नेक्स्ट है पबजी, ऑलराइट, तो पबजी रनिंग है सिर्फ पोको X2 में, जहां पर रियलमी X2 में पबजी रिस्टार्ट हुआ है। ऑलराइट, वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, और दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी रनिंग है सिर्फ पोको X2 में और अगेन रियलमी X2 में कॉल ऑफ ड्यूटी रिस्टार्ट हुआ है। वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चलते हैं एडोबी प्रीमियर क्लिप में, और दोस्तों प्रीमियर क्लिप रनिंग है सिर्फ रियलमी X2 में। नेक्स्ट है गूगल मैप्स, मैप्स भी रनिंग है सिर्फ रियलमी X2 में। आई एम सरप्राइज्ड के हमारे लास्ट टाइम स्पीड टेस्ट में भी हमने देखा है कि पोको X2 का रैम मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया था। एनीवेज चलते हैं फेसबुक में, तो फेसबुक भी रनिंग है पोको X2 में, जहां पर रियलमी X2 में फेसबुक रिस्टार्ट हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम भी रनिंग है सिर्फ पोको X2 में। नेक्स्ट ट्विटर, और दोस्तों ट्विटर भी रनिंग है सिर्फ पोको X2 में। ऑलराइट, नेक्स्ट कैमरा, कैमरा ऐप रनिंग है दोनों ही फोन में। नेक्स्ट है फोन ऐप, और दोस्तों फोन ऐप रिस्टार्ट हुआ है दोनों ही फोन में। तो फाइनली चलते हैं क्लॉक ऐप में, और ये स्टॉपवॉच अभी भी रनिंग है दोनों ही फोन में। तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस जैसे हमने देखा कि ऐप ओपनिंग टाइम दोनों ही फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम है। आपको कई कई जगह पे लगेगा कि पोको X2 का ऐप ओपनिंग टाइम बेटर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होने की वजह से हर एक ऐप ओपनिंग आपको एकदम सुपर स्मूथ लगेगा पोको X2 में। पर अगर आप डे टू डे पर्पज में दोनों ही फ़ोन को यूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों अगर हम बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो ऑब्वियसली पोको X2 का रैम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेटर है अगर हम कंपेयर करें रियलमी X2 से, क्योंकि जैसे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, एक दो एप्लीकेशंस को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस पोको X2 में रनिंग था, जहाँ पर रियलमी X2 ने मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को रिस्टार्ट किया है हमारे रैम मैनेजमेंट राउंड में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक फ़ोन को लेना है, तो दोस्तों यहाँ पर बेस वेरिएंट में पोको में आपको मिलता है 6GB रैम, जिसकी वजह से जैसे हमने देखा कि रैम मैनेजमेंट इस फ़ोन का बहुत ही बढ़िया है। तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं आपको रिकमेंड करूँगा पोको X2। पर यस, हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे इन दोनों फोन्स के बीच फुल कंपैरिजन डाल दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर जाके आप देख पाएंगे कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन है बेटर वैल्यू फॉर मनी। दोस्तों यही था हमारा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और रैम मैनेजमेंट टेस्ट। पर नाउ आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, स्पीड टेस्ट, रैम मैनेजमेंट या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा फोन है बेटर, रियलमी X2 या फिर पोको X2। और दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, और अगर आपको यह स्पीड टेस्ट कंपैरिजन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।